कि आज हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारी टीम को, एक 348 नंबर मुकदमा है मुनोत थाने का, उसमें जो आरोपी है सुरेश और उसके साथ एक सावन है लड़का सोनीपत का लाठ गाँव का, वो दो लड़के हैं और वो पानीपत में घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पे। तो इस सूचना पर जैसे हमारी चाहिए संत की टीम यहाँ पे आई थी, तो इसी सूचना पे फिर जैसे घूम रहे थे ढूंढ रहे थे उनको अलग अलग टीम बना के, तो एक हवलदार हमारा ऋषि राम वो अपनी पर्सनल गाड़ी में ढूंढ रहा था, गलियों में ढूंढ रहे थे सड़कों पे, तो उसने वो जाते दिखाई दिए मोटरसाइकिल पे। तो इतनी देर में उसने जैसे हमारे को भी फ़ोन किया और अलग टीम को उसको भी फ़ोन किया कि भाई ये मेरे सामने से निकल रहे हैं। तो फ़ोन करते ही जैसे ही मतलब वो थोड़ा सा पीछा किया उसका, उन्होंने शक हो गया कि भी पीछे कोई गाड़ी पीछा कर रही है, और उन्होंने ब्रेक मारते ही तो गाड़ी उसमें टकरा भी गई उनकी मोटरसाइकिल में। और जैसे ही ऋषिराम उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागा, तो उनमें से एक लड़के ने सीधी जान से मारने नीयत से हमारे हवलदार ऋषिराम पे सीधी फायरिंग कर दी। तो कैसी हालत है सर? अब बता रहे डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन हुआ है, अब ठीक है। तो बता रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी की ब्लैक स्कॉर्पियो भी छीन कर भाग गए हैं वो? हाँ जी, ब्लैक स्कॉर्पियो पुलिस कर्मचारी की पर्सनल थी वो, उसमें उस टाइम हड़बड़ाहट में चाबी अंदर ही रह गई वो, और वो उसको गोली मारने के बाद वो वहाँ पे हवलदार हमारा गिर पड़ा धरती पे। तो वो गाड़ी तो बमरेरी गांव के इसी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं पहले? हाँ, पहले तीन आरोपी इसी मुकदमे में अरेस्ट हो चुके हैं। तो मुख्य आरोपी था जो फरार चल रहा था? ये फरार चल रहे थे जी। जानकारी मिली थी शाम को जी, फोन आया था कोई किसी को पकड़ने गए थे और उसमें वहाँ पे उसको वहाँ पे अटैक होया उसके पास, तो ये जानकारी मिली थी। फिर हम यहाँ उसको टीम यहाँ लेकर आए थे हॉस्पिटल में, और हम उसका अभी आए हैं। कितने देर पहले की बात है? सवा दस साढ़े दस बजे बता रहे हैं? दस बजे, दस साढ़े दस के करीब बात हुई। तो पानीपत के काबड़ी गांव में हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्कॉर्पियो भी छीन गए उनकी? हाँ जी हाँ जी। तो अब हालत कैसी है उनकी? अब हालत है जी, देखो आईसीयू में है, देखो डॉक्टर ने पता हालत तो अभी तो नाजुक बता रहे। तो पुलिस के अधिकारी आए थे? एसपी साहब आए थे? बिल्कुल जी, डीएसपी साहब भी आए थे, पूरी टीम आई पानीपत की पुलिस की भी आई थी। बिल्कुल पानीपत की जी सब। ये गांव काबड़ी में जी। क्या जानकारी? मिकी मंदिर के सामने क्या हुआ था सर? वहाँ सूचना मिली थी, वह गोली मार दी एक असंध कसिया, ये का जवान था उसके, हम मौके पहुंचे थे। और आरोपी गाड़ी लेकर भाग गए बता रहे हैं? हाँ जी। तो अब हालत कैसी है पुलिस? ऑपरेट हो गया है, अभी सो रहा है जवान। तो बीटी करा दी गई है, पुलिस की टीम में रवाना हो गई है, चारों तरफ रवाना हो गई है। तो डीएसपी साहब भी मौके पर आ गए थे, सभी अधिकारी आ गए थे, भी सब आ गए थे, इंस्पेक्टर पूरी जिले की टीम में आ गई थी। तो मौके से कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ है? वहाँ से रोंद खाली खोल और रोंद बरामद हुई। हमारे लिए क्या हुआ था सर, क्या जानकारी मिली थी? मैं हमारे को जानकारी मिली, मैं पुलिस पर फायरिंग कर दिए यहाँ भी, तो हम भी मौके पर आए थे। तो क्या मामला था ये रात को जो बता रहे हैं पानीपत में हेड कांस्टेबल? जो एचसीडीसी है, जो सीआईए अपना आसन में है, उसके ऊपर गांव काबड़ी है पानीपत में, वहाँ उस पर गोली चलाकर फायर करके गाड़ी छीननी थी, उसी गाड़ी में थे स्कॉर्पियो में। और भाग गए, एक पकड़ दिया है? एक गोली लगी है, एक भाग गया गाड़ी में।